डबल शाह का मिल्कीती प्लॉट नैब से खरीदने का मामला साबिक सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन नैब में पेश। शेख अलाउद्दीन का कहना है कि एक धेले की भी करप्शन नहीं की, जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए पेश हुआ हूं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राहिल से भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर अपडेट करते चले इस हवाले से। डबल शाह का मिल्कीती प्लॉट नैब से ख़रीदने का मामला है जिसमें साबिक सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन नैब में पेश हुए। शेख अलाउद्दीन का कहना था कि एक धेले की भी करप्शन नहीं की गई उनकी जानिब से और ज़रूरी कागजी कार्रवाई के लिए पेश हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, शेख अलाउद्दीन नैब में पेश हुए और उनका कहना यह है कि वो जो डबल शाह थे उनकी जो जमीन की प्रॉपर्टी थी उसकी ऑक्शन की गई थी वजीराबाद में, और एक बड़ा महंगा जो पेट्रोल पंप है वो शेख अलाउद्दीन ने खरीदा क्योंकि ये नैब ने ऑक्शन की थी। तो आज वो पेश हुए थे नैब के ऑफिस में, उनको जो रकम के अकाउंट से पैसे थे जो चेक था वो पेश किया गया। जब हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा कि आप अचानक बड़े स्टैंडर्ड में पेश हुए, तो उनका कहना यह था कि मैं अचानक बड़े स्टैंडर्ड में पेश नहीं हुआ क्योंकि मैंने पेट्रोल पंप खरीदा, मैं उस हवाले से नैब के ऑफिस आया हूँ। तहम उनका कहना यह था कि अचानक बड़े स्कैंडल में भी मैंने किसी भी किस्म की जो है ना करप्शन नहीं की, ना मेरे ऊपर एक ढेरे का इल्जाम है, और इसी हवाले से मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो व्हाइट मनी है, मैंने कभी ब्लैक मनी के पैसे नहीं कमाए, और जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जाते थे अचानक बड़े स्कैंडल में उस इल्जाम में कोई हकीकत नहीं है। मैं आज नैब में सिर्फ इसलिए हाजिर हूँ कि मैंने जो है डब्बा शाह जो टॉप हम ऑप्शन कर दी थी नैब वो खरीदा और उसकी पेमेंट करवाने के लिए नैब के ऑफिस जो है मैं आया हूँ। जी ठीक है। साबिक सूबाई वजीर सनत शेख अलाउद्दीन नैब में पेश हुए, उनका कहना था कि एक ढेले की करप्शन नहीं की, जरूरी कागजी कार्रवाई के लिए पेश हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें आगाह कर रहे थे।